सिर्फ एक गलती और सारी इन्वेस्टमेंट तबाह। बिल्कुल, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर करके भरमार तो मचा देते हैं। अब चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हो या आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हो, पर कभी भगवान न करे कि ऐसा हो कि कोई इन्वेस्टर दुनिया से अचानक चला जाए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता है। जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टेड हैं तो। हो सकता है कि आप इतने बिजी हो अपने पैसे को कमाने के लिए और ग्रो करने के लिए कि इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया हो, या फिर आप इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। पर सोचना तो पड़ेगा ही इस वीडियो को देखने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। हम लोग अपने जीवन में मैक्सिमम चीजें प्लान करके चलते हैं, जैसे कि बर्थडे प्लान हो गया है, स्कूल एजुकेशन प्लान हो गया, करियर, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ट्रेवल, मैरिज, रिटायरमेंट और बेबी प्लान भी। इन सभी चीजों को हम सही से प्लान कर लेते हैं, और ये सब प्लान्स भी सही से काम करें इसके लिए आप अपने पैसे को लगाते हो सही समय पर सही काम के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड बॉन्ड एक्सेट्रा वगैरह, और बस उसके बाद आप हो जाते हो बिल्कुल टेंशन फ्री, मस्त। लेकिन एक प्लान जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आप करना भूल ही गए ऊपर। और एक आप ही नहीं, पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो ये प्लान करना भूल जाते हैं। और वो प्लान है कि अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। अब आप कहेंगे कि इसके लिए मैंने ऊपर ही हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्लान को इंक्लूड कर रखा था। तो भाई ये बात बहुत अच्छी है कि आपने इन दोनों को ही अपने प्लान में शामिल कर रखा है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए। लेकिन उन इन्वेस्टमेंट्स का क्या जो आपने अपनी फैमिली के लिए कर रखी है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कोई लिक्विड पैसा नहीं है बैंक में रखा हुआ कि बैंक में गए कुछ फॉर्मेलिटीज करी और पैसा आपके अकाउंट में आपके हाथ में। इन्वेस्टमेंट की समझ हो सकता है कि आपके अंदर बहुत हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में इतनी समझ ना हो या बिल्कुल भी ना हो तो, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि इन इन्वेस्टमेंट को रिडीम कैसे किया जाता है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका ना तो कोई खाता नंबर होता है ना ही कोई एटीएम कार्ड। तो ऐसे में घर वाले बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि आप इतने समय से कमा रहे थे, उस कमाई का इतना बड़ा हिस्सा आखिर गया तो गया कहां। क्योंकि जब वो आपका बैंक अकाउंट देखेंगे तो उसमें केवल एक इमरजेंसी फंड के अलावा कुछ नहीं पड़ा होगा। तो ऐसे में उनको कैसे पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, कितने आपके स्टॉक्स हैं, कितने म्यूचुअल फंड आपने ले रखे हैं या अदर इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कर रखी है। हम लोग अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और ये कोई गलत बात भी नहीं है, पर क्या आपने कभी इस एंगल से सोचा है कि घर में जो मेंबर्स हैं उनके पास इनफ नॉलेज है कि नहीं इस चीज की, कि आप अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को कैसे निकाला जा सकता है। और आजकल के टाइम पे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप किसी एक ही ऐप के थ्रू इन्वेस्टेड नहीं होंगे, आप मल्टीपल ऐप्स के थ्रू मल्टीपल चीजों में इन्वेस्टेड होंगे। तो ऐसे में मुश्किल और बढ़ जाती है। मान लेते हैं किसी तरीके से उन्होंने एक अंदाजा भी लगा लिया कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड में होगी या स्टॉक्स में होगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स किस ऐप के थ्रू है उस ऐप तक उनको कौन ले जाएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ऐप्स जिनके थ्रू आप इन्वेस्टेड होंगे उनमें एक साल तक अगर कोई लॉगिन नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली नॉमिनी के पास जो है वो नोटिफिकेशन चला जाता है ईमेल या मैसेज के थ्रू। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि वो फैमिली मेंबर्स या नॉमिनी जो है वो मेल को एक्सेस रेगुलरली करते भी होंगे या उसको ट्रैक करते भी होंगे या नहीं। क्योंकि भाई मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कंपनी का कोई बंदा पर्सनली आके आपकी मदद करने आएगा कि भाई इस बंदे की ये इन्वेस्टमेंट थी, आपको पता नहीं था तो मैं आ गया मदद करने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आजकल हमारे पास जितनी ज्यादा सुविधा है ना डिजिटल होने की, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह भी है। आज के टाइम पे डिजिटाइजेशन की वजह से हर चीज हैंडी और कन्वीनियंट तो हो गई है, जिससे कि अब फिजिकल फॉर्म में कोई बिल, रिसिप्ट, ये सब चीजों का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। हर चीज आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आ जाती है। अब इन डिजिटल चीजों ने आपकी लाइफ तो बहुत आसान कर दी है, पर कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल बन सकती है, क्योंकि उनको मेन टाइम पर नहीं पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कहां रखे हैं, किस फॉर्म में हैं, या फिर ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं, क्योंकि इनकी कोई एक हार्ड कॉपी तो आपके पास है नहीं। ये चीज आज के जमाने में कितनी खतरनाक हो सकती है, इस चीज का अंदाजा आप तब से लगा सकते हैं जब हमारे दादाजी के टाइम पे हर चीज फिजिकल फॉर्म में हार्ड कॉपी में होती थी, चाहे वो बैंक की पासबुक हो, FD हो या फिर कोई विकास पत्र ले रखा हो। तो भाई अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आपकी और आपके फैमिली की लाइफ थोड़ी इजी बन सकती है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स की, बड़ी छोटी, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, ऊपर से नीचे हर चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, पेपर पेन लेके लिख लो। और लिस्ट बड़ी बन रही है तो शर्माना मत बड़ी लिस्ट बनाने में, जितनी लंबी हो सकती है, जितनी बड़ी हो सकती है, जितनी डिटेल उसमें आप डाल सकते हो सब डालो। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये तो ऑब्वियस सी है उसको भी डालो, हो सकता है कि आपके लिए ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए ना हो ऑब्वियस, उस टाइम पर वो किसको पूछेंगे। जिन भी एप्स, वेबसाइट के थ्रू आप इन्वेस्टेड हो, लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, उन सभी के URL, ऐप लिंक, लॉगिन, पासवर्ड, पिन, पैटर्न, सब कुछ, और कौन सा मोबाइल नंबर इन सब चीजों के साथ असाइंड है वो भी लिखना। और इसको किसी ऐसी जगह पर रखना जो बहुत सेफ हो, बहुत ज्यादा खुफिया जगह पर भी मत रख देना कि मिले ही ना, ऐसी जगह ज्यादा सेफ रहेगी जहां पर घर के अदर डॉक्यूमेंट्स या कीमती सामान भी रहता हो। ये चीज करने के लिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि FD, RD, PPF अदर चीजें जो है वो बैंक में जाके कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो ली जा सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स ऑनलाइन डिजिटल इन एप्स वेबसाइट के थ्रू करी गई है, तो अगर इनके क्रेडेंशियल्स फैमिली के पास नहीं है तो उनको ट्रैक कर पाना या उनको क्लेम कर पाना फैमिली के बस की बात नहीं है। अगला पॉइंट है, नॉमिनी जरूर ऐड करें।
एक नॉमिनी ऐड करना बहुत एक अच्छी चीज है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। हम लोग कई बार लापरवाही में इस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन नॉमिनी करना कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगला पॉइंट है कि घर पे कम्युनिकेट या इन्फॉर्म जरूर करें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये सोच बिल्कुल भी ना रखें कि घर में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दूंगा तो उनकी मैच्योरिटी के बाद उससे क्या खर्चा करना है, ये प्लान होना अभी से शुरू हो जाएगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये चीजें कितनी सही हैं। हो सकता है कि आपका ये सोचना कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन घर पे इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। और इन सब इन्वेस्टमेंट की हार्ड कॉपी भी घर पे जरूर जरूर रखिए, और हो सके तो साल में एक बार जिस टाइम आप रिटर्न फाइल करेंगे अपनी, तो उसी टाइम पर अपनी सभी इन्वेस्टमेंट की स्टेटमेंट निकाल के आप उसे रख सकते हैं। और इस प्रक्रिया को आप हर साल करिए ताकि डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रहें। और अगला पॉइंट है, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब आप और आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सिक्योर है। असल मायने में जिंदगी को हमेशा पॉजिटिव वे में जीना चाहिए, लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज बता के नहीं आती, तो समझदारी इसी में है कि उन चीजों के लिए तैयारी हमारी पहले से ही पूरी हो, ताकि बाद में किसी को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज की ये सीख आपको समझ में आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित ढौंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।